गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान भव। गुरुदेव क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आप, अच्छा हम आपको इंतजार कर रहे थे। प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें अति गोपनीय गायत्री मंत्र का ज्ञान सिखाना चाहता हूँ, जो गुरु विशिष्ट जी ने हमें दिया था। आप सभी को मेरे साथ साथ बोलना है, ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुः करो नियम भर्गो देव सनी मई ज्यो नाम प्रचोदया। ओम स्वः। प्यारे बच्चों, यह मंत्र हर रोज सुबह उठते ही लेना चाहिए। इससे घर में सुख शांति आती है और घर में क्लेश नहीं आता। पार व्यक्ति गुण को जानता है, जैसे गुणी व्यक्ति होता है वह गुण को जानता है, निर्गुण व्यक्ति गुण को नहीं जानता। बसंत ऋतु का गुण कोयल ही जानती है, कौवा नहीं जान सकता इसको। शेर के बल को सिर्फ हाथी ही जानता है, इसे चूहा नहीं जान सकता। अच्छा बच्चों, आज की शिक्षा समाप्त होती है और कल आपको नए अध्याय के बारे में बताने जा रहा हूं। आप सभी को समय पर पहुंचना है और मिलजुल कर रहना है। बेटा सुदामा, बेटा कृष्ण। क्या गुरु जी? तुम्हें तुम्हारी गुरु माता बुला रही है, जाओ एक बार मिलकर आओ। क्या गुरु माता प्रणाम। आओ कृष्ण, आओ सुदामा बेटा। बेटा आश्रम में लकड़ियां खत्म हो गई है, तुम जाओ और जंगल से लकड़ियां लेकर आओ। जैसी आज्ञा हो गुरु माता। बेटा मैं तुम्हें ये थोड़े से चने देती हूँ, भूख लगने पर मिल बांट कर खा लेना। जो आज्ञा हो गुरु माता। क्लास करो, मैं उस ओर खोजता हूँ। सगा का नहीं यहाँ, सगा का नहीं यहाँ। अरे काना तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। रात हो चुकी है और मुझे भूख भी लग गई है और बारिश भी होने वाली है, क्यों ना मैं मेरे हिस्से का खाना खा लेता हूँ और बाकी खाना के लिए छोड़ देता हूँ। कारण मैं तो सारा खाना खा गया। सखा सुदामा, भूख लग गई है। माता ने जो खाना दिया था वो निकाल लो
और चलो वहां बैठकर खाते हैं। कन्हैया वो तो मैं तो वो मैं वो क्या सुदामा, बात क्या है जरा साफ साफ बताओ। सका कन्हैया मैं अधिक भूख के कारण सारा खाना खा गया। हट पगले, इसमें वो करने की ऐसी क्या बात है, मैं तो आश्रम जाकर खा लूंगा। चलो चलते हैं। ठीक है कन्हैया। गुरु माता हम लकड़िया ले आए। गुरु माता जल्दी से भोजन दे दो, मुझे भूख लगी है। बेटा जो भोजन मैंने तुम्हें दिया था क्या तुमने नहीं खाया? गुरु माता वो मैं अधिक भूख के कारण खा गया। अरे सुदामा ये तुमने क्या किया, इसके हिस्से का खाया है, तुम बहुत पछताओगे। एक दिन जाकर के सुदामा इनको तुम खिलाओगे। सुदामा नहीं आए, जरा देखो वो कहीं गुरु माता की सेवा तो नहीं लगे हुए। करना माता पिता व बड़ों का मान करना, कभी भी जीवन में अहंकार मत करना और प्रेम भाव से रहना। बुरे समय में एक दूसरे के काम आना, मित्र को अपने भाई से बिगड़ कर मानना, हमेशा अपनी दोस्ती का फर्ज निभाना, ये बातें ध्यान में रखना। गुरुकुल में दी गई शिक्षा अपने जीवन में धारण करना। जैसी आज्ञा गुरु माता।